हेलो गाइस, मैं हूं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी जी के एंड ये। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख कंपनी और उनके प्रेजेंट में सीईओस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? सुदीप्त भट्टाचार्य। अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके फाउंडर गौतम अडानी हैं। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना सन 1988 में किया था और इसका वर्तमान टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट हमारा आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं डॉक्टर शांतरूप्त मिश्रा। कौन? डॉक्टर शांतरूप्त मिश्रा। देखिए, जो आदित्य बिरला ग्रुप है एक प्राइवेट इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप है। इसके फाउंडर सेठ शिव नारायण बिरला थे। ठीक है, इसे कैसे कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं इनके? सीमेंट से, एग्रीकल्चर से, केमिकल से, फाइनेंस से, टेक्सटाइल से और टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। जो वोडाफोन आइडिया है और जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये आदित्य बिरला ग्रुप के दो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। थर्ड नंबर है हमारा एयर इंडिया। एयर इंडिया के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं अश्वनी लोहानी। कौन? अश्वनी लोहानी। अगला है हमारा अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं उषा अनंत सुब्रमण्यन। कौन? उषा अनंत सुब्रमण्यन। फिफ्थ नंबर है हमारा amazon.com। amazon.com का सीईओ वर्तमान में कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ होने के साथ ही साथ इसके फाउंडर भी हैं। अमेजन, जो लोग नहीं जानते हैं, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 में की थी। अगला है हमारा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? अजय कपूर। कौन? अजय कपूर। नेक्स्ट है हमारा अमूल। अमूल के वर्तमान में सीईओ है आर एस सोडी। कौन? आर एस सोडी। अमूल एक इंडियन डेयरी कॉरपोरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है। इसके फाउंडर का नाम आप थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन, आपने नाम सुना होगा, और त्रिभुवन दास किशन भाई पटेल, इसके दो फाउंडर हैं। यही इन्हीं दोनों लोगों ने अमूल कंपनी की स्थापना की थी। वर्गीज कुरियन का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक के इस समय जो सीईओ हैं वो हैं जे पैकरी स्वामी। क्या? जे पैकरी स्वामी इसके कौन? आंध्रा बैंक के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। अगला है हमारा अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है इंडिया की, और प्रताप सी रेड्डी जो हैं इस अपोलो हॉस्पिटल के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। अगला है हमारा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स आते हैं, और इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं विनोद दसारी। कौन? विनोद के दसारी। नेक्स्ट हमारा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के केबीएस आनंद इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सिस बैंक लिमिटेड। अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। देखिए, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और सीईओ तो मैंने बताया ही अमिताभ चौधरी इस समय हैं। ठीक है, अगला है हमारा एवी बिरला ग्रुप। एवी बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला जो हैं सीईओ हैं। बजाज ऑटो, राजीव बजाज इसके कौन है? सीईओ हैं वर्तमान में। देखिए, नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। देखिए, यहाँ पे पीएस जयकुमार लिखा है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, संजीव चड्ढा जो हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। अब देखिए, बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अब इसमें जो विजया बैंक है और देना बैंक है, यह दोनों बैंक जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसी साल ये मर्ज जो हुआ है वो हुआ है। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है गुजरात के वडोदरा में। कहाँ पे? गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट हमारा बैंक ऑफ इंडिया। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा और ये है बैंक ऑफ इंडिया। तो दीनबंधु मोहपात्रा जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अतुल सोबती इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। भारत पेट्रोलियम, डी राजकुमार इसके सीईओ हैं प्रेजेंट में। किसके? भारत पेट्रोलियम के। नेक्स्ट हमारा बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। श्री अनुपम श्रीवास्तव जी इसके सीईओ हैं वर्तमान टाइम पे बीएसएनएल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारती इंटरप्राइजेज। सुनील भारती मित्तल जो हैं भारती इंटरप्राइजेज के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए, भारती इंटरप्राइजेज, जो आपने भारती एयरटेल का जो सिम यूज करते हैं वो भी भारती इंटरप्राइज का प्रोडक्ट है, और भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भी इसका एक प्रोडक्ट है। किसका? भारती इंटरप्राइजेज का। और इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? सुनील भारती मित्तल।
नेक्स्ट हमारा बॉम्बे डाइंग, नुसील वाडिया, नुसली वाडिया इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं बॉम्बे डाइंग के। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के वरुण बेरी जो हैं इसमें सीईओ हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत फॉर्ग, भारत फॉर्ग के बीएन कल्याणी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल, अभी मैंने ऊपर बताया भारतीय इंटरप्राइजेज का एक प्रोडक्ट है और इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं गोपाल विट्टल। कौन? गोपाल विट्टल, मित्तल नहीं, विट्टल, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कैनरा बैंक, कैनरा बैंक के राकेश कुमार शर्मा जी इस समय वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है सिप्ला, सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उमंग वोहरा जी इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है कैफी कॉफी डे और वेणु माधव जो है इसके सीईओ हैं। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटम लर्निंग लिमिटेड और संजीव डुग्गल जी जो हैं इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है सीएट लिमिटेड, सीएट के टायर्स आते हैं, अनंत वर्धन गोयनका जी इसके वर्तमान टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है देना बैंक, देना बैंक के करणम शेखर जी इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है डीएलएफ, डीएलएफ के वो हाउस इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है, टीसी गोयल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है डाबर, डाबर के कई होम प्रोडक्ट्स आते हैं, सुनील डुग्गल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। इमामी, अजीत बाबू नरसिम्हा जी इस समय वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं इमानी कंपनी के। नेक्स्ट है ईबे, ईबे कंपनी के डेनविन वेंग इस समय वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं, किसके? ईबे के। नेक्स्ट है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट आप जानते हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी है भारत की और सचिन और बिन्नी बंसल इन दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। अब कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है गेल, और गेल के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? बीसी त्रिपाठी। गेल यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक नेचुरल गैस कंपनी है हमारे भारत की और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है गोदरेज, गोदरेज के कई प्रोडक्ट्स आते हैं आप जानते हैं, पिरोजसा आदि गोदरेज इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट है गूगल, बहुत कॉमन है, सबको जानता है, सुंदर पिचाई इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है एस सी एल टेक्नोलॉजीज और सी विजय कुमार इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं एस सी एल टेक्नोलॉजीज के। एच डी एफ सी बैंक, आदित्य पुरी वर्तमान में एच डी एफ सी बैंक के एम डी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट है हीरो मोटर कॉर्प, पवन मुंजल वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हीरो मोटर कॉर्प के। अगला हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और संजीव मेहता इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हमारे होम में काफ़ी होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे लक्स साबुन हो गया, लाइफ बॉय साबुन हो गया, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ही एक प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, देव नारायण भट्टाचार्य हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के वर्तमान टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं। जिन लोगों को नहीं पता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज क्या है वो लोग जान लें कि यह एक एल्युमिनियम और एक कॉपर प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्रीज है और यह आदित्य बिरला ग्रुप का एक सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मोटर्स, असीम कुमार बासु इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है हिमालय, हिमालय के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? फिलिप हेडन। अगला हमारा आईसीआईसीआई बैंक और संदीप बख्शी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। देखिए आईसीआईसीआई बैंक की जो फुल फॉर्म है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ओके, मुझे आपके कमेंट में आंसर का इंतजार रहेगा। आईडीबीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, श्री महेश कुमार जैन जो हैं वर्तमान में सीईओ हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, बालेश शर्मा। देखिए वोडाफोन और आइडिया का अब मर्ज हो चुका है, ये तो आप चीज जान ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक और आर सुब्रमण्य कुमार, कौन? आर सुब्रमण्य कुमार जो इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, सलील पारिक इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये एक आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? एनआर नारायण मूर्ति। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। एक चीज आप याद रख लीजिए, फैक्ट जो आपको जानना जरूरी है, जो इंफोसिस टेक्नोलॉजीज है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कौन? इंफोसिस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी के कई प्रोडक्ट्स आते हैं, संजीव पुरी इसके क्या है? सीईओ हैं। नेक्स्ट है हमारा आईबॉल और संदीप पारस रामपुरिया इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए आईबॉल के टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स आते हैं लैपटॉप वगैरह करके, वो चीज़ आप जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा जेट एयरवेज, जेट एयरवेज विनय दुबे इसके वर्तमान टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जिंदल स्टील,
मिस्टर नौशाद अख्तर अंसारी वर्तमान में सीईओ हैं किसके, जिंदल स्टील्स के। कार्बन मोबाइल्स प्रदीप जैन। किंगफिशर एयरलाइंस संजय अग्रवाल वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक और उदय कोटक इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और रवि पंडित इसके वर्तमान में सीईओ हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ये क्या है, ये ऑटोमोटिव पार्ट्स मेकिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। नेक्स्ट हमारा लार्सन एंड टाउब्रो, देखिए के विक्टर रमनन इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। लार्सन एंड टाउब्रो को एलएनटी नाम से भी हम शॉर्ट में जानते हैं। इनका रियल इस्टेट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इसके फाउंडर कौन थे, दो डेनिश पीपल थे, कौन, हेनिंग हॉल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टाउब्रो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेनिंग हॉल्क लार्सन और सेकंड कौन, सोरेन क्रिस्टियन टाउब्रो। नेक्स्ट हमारा लावा, लावा के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं एसएन राय। एमटीएनएल महानगर टेलीफोन लिंगर लिमिटेड इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा मारुति सुजुकी, केनिची आउकावा इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं, कौन, केनिची आउकावा। और मारुति जो सुजुकी है उसका पुराना नाम क्या था, मारुति उद्योग लिमिटेड। और इसके फाउंडर कौन थे, संजय गांधी, वही संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे। वर्तमान में मारुति सुजुकी का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स और विनीत तनेजा इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है मुरुगप्पा ग्रुप और ए विलायन वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए मुरुगप्पा ग्रुप के साइकिल फर्टिलाइजर्स आते हैं और स्टील ट्यूब्स वगैरह आते हैं। हरक्यूलिस और बीएसए ये जो दो साइकिल कंपनी है वो मुरुगप्पा ग्रुप के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है हमारा मारिको सुगाता गुप्ता इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। एनडीटीवी न्यूज चैनल है, सुपर्णा सिंह इसकी सीईओ हैं, कौन, सुपर्णा सिंह। नेक्स्ट हमारा निर्मा, निर्मा के कई साबुन उबुन आते हैं और करसन भाई पटेल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और विष्णु आर दुसाद ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, शशि शंकर इसके वर्तमान टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, सुनील मेहता इसके वर्तमान टाइम पे कौन है, सीईओ, एमडीएन सीईओ कौन है, सुनील मेहता। नेक्स्ट है हमारा पार्ले एग्रो और सचौना चौहान इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है पेडिलाइट इंडस्ट्रीज और मिस्टर संजय बहादुर इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। पेडिलाइट एक इंडियन एडिसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है, बलवंत पारेख। 1959 में उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंधेरी में। देखिए इसके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट और एमसील, ये पेडिलाइट कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है पेटीएम, पेटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पेमेंट थ्रू मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट है और इसके सीईओ कौन है, विजय शेखर शर्मा और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपने नाम जरूर सुना होगा और मुकेश अंबानी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉयल इनफील्ड और इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है, विनोद केसरी, सिद्धार्थ लाल नहीं है, विनोद केसरी जो हैं इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं, किसके, रॉयल इनफील्ड के। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और रॉयल इनफील्ड में मैंने जान के यहाँ पे सीईओ के नाम गलत लिखे थे ताकि इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि अगर आप एग्जाम बैठे एग्जाम क्वेश्चन करने और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक करेगा कि नहीं जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा था तो सिद्धार्थ लाल नहीं होके वहाँ पे विनोद केसरी थे, वहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट गलत लिखा था। इस वजह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, इसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे कहीं पे तब आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करके भी चीज़ों को याद करने का एक अच्छा साधन है जिसको मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगला है हमारा रैनबैक्सी लेबोरेटरीज, रैनबैक्सी लेबोरेटरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अरुण साहनी इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है और कुणाल बहल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। साउथ इंडियन बैंक और वीजी मैथ्यू इसके सीईओ हैं। स्पाइस जेट एयरवेज आती हैं। अजय सिंह इसके वर्तमान टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरुंधति भट्टाचार्य इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाउंड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान टाइम पे चेयर पर्सन है रजनीश कुमार। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा याद ये रखिएगा कि स्टेट बैंक
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, मैंने अपने इंपॉर्टेंट डे वाले वीडियो में भी बताया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनिल कुमार चौधरी इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कल्याण सुंदरम सुब्रमणियन इसके वर्तमान टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं। स्टार इंडिया उदय शंकर इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन और विनोद आनंद कुमार इसके वर्तमान टाइम पे एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। टाटा स्काई हरित नागपाल कौन, हरित नागपाल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा टाटा स्टील, ये था टाटा स्काई और ये है टाटा स्टील, ठीक है। तो टीवी नरेंद्रन इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेड इंडिया और विकी कौशला इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए ट्रेड इंडिया एक B2B पोर्टल है, यानी इसे ऑनलाइन बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है। ये क्या कर काम करती है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यानी स्मॉल बिजनेस के लिए ऑनलाइन कस्टमर को लाती हैं। और विकी कौशला यानी विकी कौशला जो है 1996 में इस कंपनी की स्थापना की थी और वर्तमान टाइम पे यही इस कंपनी के सीईओ भी हैं। टीवीएस मोटर कंपनी केएन राधा कृष्णन जो है टीवीएस मोटर कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। टाटा ग्रुप नटराजन चंद्रशेखरन इसके वर्तमान टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा ग्रुप, टाटा स्काई और ये टाटा मोटर्स तीनों अलग अलग चीजें थे। ग्यूंटर बुट्चेक ये इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। टाइटन वॉचेस भास्कर भट्ट, टाइटन देखिए ये भी टाटा की एक प्रोडक्ट है और भास्कर भट्ट इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है टोयोटा, टोयोटा की कार आती है और देखिए हिरोशी ओकुडा कौन, हिरोशी ओकुडा इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। थर्मैक्स, थर्मैक्स के एमएस उन्नी कृष्णन इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। थर्मैक्स क्या है, ये एक एनर्जी और इन्वायरमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट है उको बैंक, अतुल कुमार गोयल उको बैंक के सीईओ हैं। वोल्टास, वोल्टास के एसी कूलर आते हैं और संजय जोहरी इसके वर्तमान टाइम पे एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट है विप्रो, विप्रो के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं जैसे बल्ब हो गए। तो अब्दाली नेमुचवाला इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं, कौन, अब्दाली नेमुचवाला। नेक्स्ट है वेल्सपन इंडिया और दीपाली गोयनका इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए वेल्सपन इंडिया ये क्या है, यह एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल प्रोड्यूसर कंपनी है। होम टेक्सटाइल प्रोड्यूसर यानी जो टॉवेल्स होते हैं ये सब जो होम में जो कपड़े का काम यूज होता है उसके ये प्रोड्यूसर कौन, वेल्सपन इंडिया, और ये एशिया के लार्जेस्ट हैं और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट हैं। नेक्स्ट है यात्रा डॉट कॉम और ध्रुव सिरिंगी इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है यस बैंक, यस बैंक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है और रवनीत गिल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। नेक्स्ट है हमारा जायदस कैडिला और पंकज आर पटेल इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं। देखिए जायडस कैडिला ये क्या है, ये इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके फाउंडर थे रमन भाई पटेल, उन्होंने 1952 में इस कंपनी की नींव रखी थी और इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी टेलीफिल्म्स और इसके वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है, ये है पुनीत गोयनका। सो फ्रेंड हियर आवर वीडियो एंड्स, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं कंपनी और सीईओ से सभी आपको समझ में आ गए होंगे और पसंद जरूर आए होंगे। देखिए जो मैंने भी लिस्ट बताई है ये भी जून 2020 तक फुल्ली अपडेटेड है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट था इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय है या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा लें। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड कॉन्टेंट मिलते रहते हैं जो कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।